हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस के बारे में। तो ज़ेरक न्यूज़ ने सेथ रोलिंस के टाइटल रिंग पे एक ट्वीट रीपोस्ट किया था, जिस ट्वीट में बताया गया है, ए WWE सोर्स इन्फॉर्म्ड मी दैट देयर वॉज ए सजेशन फॉर सेथ रोलिंस टू लूज आफ्टर रेसलमेनिया, क्योंकि सम इंडिविजुअल्स वर फाइंडिंग इट चैलेंजिंग टू एग्री ऑन सेथ लूजिंग एट रेसलमेनिया। इट मीन्स कि सेथ रोलिंस के लिए सजेशन दिया गया है कि वो अपना टाइटल हारे रेसलमेनिया के बाद, क्योंकि जो क्रिएटिव टीम में इंडिविजुअल्स हैं वो एग्री नहीं कर पा रहे सेथ रोलिंस के रेसलमेनिया में हारने पे। और करंट स्टेटस की माने तो CM Punk के साथ होगा उनका रेसलमेनिया में मैच, और इस हिसाब से सेथ रोलिंस वर्सेस CM Punk के मैच में सेथ रोलिंस रिटेन कर लेंगे और इस मैच को जीत जाएंगे। हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है नेक्स्ट वीक होने वाले मंडे नाइट रो को लेके। तो WWE ने काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस कर दी हैं नेक्स्ट वीक होने वाले मंडे नाइट रो के लिए। सबसे बिग थिंग जो हमें देखने को मिलेगी वो है कि सेथ रोलिंस अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल। एंड एज ए इंडियन काफ़ी अच्छा लग रहा है जिंदर महाल को टाइटल पिक्चर में देख के। और जिंदर महाल को लेके एक और कंट्रोवर्सी भी हुई है जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें शो पे देखने को मिलेगा द रिंग जनरल द इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन गुंथर का रिटर्न, और हमें देखने को मिलेगा द मिज एंड आर्थ्रोथ वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच एक नॉन टाइटल मैच, और हमें देखने को मिलेगा DIY यानी जॉनी गर्गानो एंड तोमासो चैम्पा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड JD मैकडोना के बीच एक टैग टीम मैच। तो नेक्स्ट वीक होने वाले मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। तो द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है द रॉक जो है वो ग्रेट वन है और अभी भी इलेक्ट्रीफाइंग है, और CM Punk वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्स में से एक है इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। और वो कहते हैं कि मुझे पता है मैं किसके अगेंस्ट हूँ, और वो कहते हैं कि रोस्टर को देखो, ये भरा भरा है स्टार्स से, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम नॉट फ्लिंचिंग, आई एम नॉट रूटिंग अगेंस्ट एनीवन एल्स, आई एम जस्ट वर्किंग टू मेक इट हैपन। और ये बात उन्होंने कही है रॉयल रंबल जीतने और रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने को लेके। तो इससे कोडी रोड्स कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है द 619 रे मिस्टीरियो के रॉयल रंबल स्टेटस को लेके। तो रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक रे मिस्टीरियो क्लियर हैं रेसलिंग के लिए, रे मिस्टीरियो के साथ सारी थिंग्स परफेक्ट हैं, और रॉयल रंबल मैच में हमें रे मिस्टीरियो का सरप्राइज रिटर्न देखने को मिल सकता है। हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है जिंदर महाल और AEW के CEO टोनी खान की कंट्रोवर्सी को लेके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रो के लिए सेथ रोलिंस वर्सेस जिंदर महाल का मैच ऑफिशियल हो चुका है, वो भी फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और इसी टॉपिक पे टोनी खान ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये क्या दोगलापन है, हुक जो उनकी AEW का रेसलर है जिसका कैरियर रिकॉर्ड 28-1 है और वो विनिंग स्ट्रीक पे है, और जब वो कॉल आउट करता है चैंपियन को जो कि एक लॉजिकल चैलेंज बनता है, उस पे ऑनलाइन हेट मिलती है, और जिंदर महाल जो कि लास्ट ईयर एक भी मैच नहीं जीता उसे एकदम से टाइटल शॉट मिल जाता है और यहाँ पे उन्हें हेट भी नहीं मिलती। और वो लिखते हैं कि AEW Dynamite tomorrow on TBS, और इस पे जिंदर महाल ने भी रिप्लाई दिया, और जिंदर महाल ने इसके रिप्लाई में लिखा कि हु द एफ इज हुक, और वो लिखते हैं कि वॉच मंडे नाइट रो ऑन USA नेटवर्क 8 PM EST। तो ये रिप्लाई था जिंदर महाल का टोनी खान के ट्वीट के ऊपर।
और इस कंट्रोवर्सी में जिंदर महल को फैंस का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। हालांकि जिंदर महल का ये ट्वीट डिलीट हो गया था, लेकिन हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट है जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हो। तो ये सब कंट्रोवर्सी हुई थी जिंदर महल और AEW के CEO टोनी खान के बीच। आपके इस बारे में क्या व्यूज हैं आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हो। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।